हसना जी। हाँ जी। गुड इवनिंग तो शो के हिसाब से, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज बहुत जल्दी जल्दी उठे, अब आ गए सुबह सुबह। हसना जी, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिसके सीक्वल का हम सभी को इंतजार रहता है। सो ऐसी एक फिल्म आ रही है, हाउसफुल 4। सो आज इस फिल्म की पूरी स्टारकास्ट हमारे बीच आ रही है। तो सबसे पहले आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा वेरी हैंडसम, वेरी एनर्जेटिक और हम सबके फेवरेट सुपरस्टार मिस्टर अक्षय कुमार। एक बार अक्षय पाजी के लिए खुल के तालियां। पाजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैसे एक बात बताऊं, अच्छा होता है जब सुबह सुबह करते, देखो एनर्जी कुछ अलग रहती है कि नहीं? मुझे बताओ सुबह में प्रॉब्लम क्या है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। आप कितने बजे उठते हो स्कूल के लिए? हाँ बेटा, हाँ 7 o'clock। 7 स्कूल कितने बजे होता है? कितने बजे सोते हो? 9 o'clock सो जाते हो ना? अब ये आदत आप आगे तक रखोगे जब तक आप बड़े होगे, कि इसकी तरह हो जाओगे कि लेट उठना? ऐसे ही रखोगे ना, तो हमेशा अपनी आदतें ऐसी रखनी चाहिए ना, सुबह उठो, काम पे जाओ या स्कूल जाओ या कॉलेज जाओ। क्यों आदमी बदल जाता है, मुझे बता सकता है क्यों बदल जाता है इंसान? क्यों बदल जाते हैं? हाँ, शादी हो जाती है, शादी के बाद बदलते हैं? नहीं, शादी से पहले ही बदल जाते हो आप लोग। झूठ मत बोला करो, झूठ मत बोला। कपिल को मैं शादी से पहले जानता हूँ, वो तब से बदला हुआ है। हम तो खुद हैरान थे। आप लोगों को अच्छे केले नहीं रखने आते? कहाँ है वो आदमी, पिसे पिसाए केले रखते हैं? इसकी प्री मैच्योर डिलीवरी हुई है थोड़ी। गले में केले रखते हो? अरे हमारी सारी चीजें गलत, क्या करें, लेट हम उठते, केले हमारे गले हुए। अब अभी वो नींद में है केला अभी तक पैदा। ये आप अपने दोस्त को एक बात बताऊं, आपके दोस्त जब पैदा हुए थे गले हुए केले नहीं थे आपके? केले थे। मैं लंदन टाइम के 4 बजे सुबह उठता हूँ, जस्ट लाइक अक्षय कुमार। अगर तू दो बजे उठता तो लंदन टाइम 4 कैसे चार कैसे हो गया? बेवकूफ, हमें पागल बनाता है। नहीं, न्यूयॉर्क, सॉरी, न्यूयॉर्क टाइम, नॉट लंदन। उसमें भी जोर बजा रही। आपने कभी दिया खून चंकी सर किसी को? मैं पीता हूँ खून। I love you, Charles. I've gone mad. पूरी रात सोया नहीं हूँ इसलिए ऐसे पागल हो गया। सब अक्षय कुमार के वजह से। पर आपको कंघी कर लेनी चाहिए थी चंकी सर। ये भी हेयरस्टाइल भी उन्होंने किया पीछे। Actually, ये पूरे बाल बना के आए थे और अक्षय के चंकी कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपने कभी चारों में से किसी ने ऐसे यार दोस्त के फोन से किसी को मैसेज करके किसी का काम बिगाड़ा? पाजी ये भूल जाओ, अमित जी के दिवाली पार्टी में 4 साल पहले मैंने चूड़ीदार कुर्ता पहना था, जेब में था मेरा मोबाइल फोन, आया अक्षय कुमार जी फुल जप्पी पप्पी लेके मेरा फोन ही निकाल दिया मेरे कुर्ते से। अरे उनका घर लेके गया। अरे उनका प्रश्न अलग है बेटा, तू वो कुछ और पूछ रहे हैं, पूछ रहे मैसेज के बारे में पूछ रहे, तू चोरी के बारे में बता रहा है। बाद में जो मैसेजेस भेजे वो बात अलग है। मैं कपिल सर को दूसरे चैनल से और सोनी टीवी से भी मैं फॉलो कर रहा हूँ अभी तक, लेकिन मैंने देखा है कि 85% से 90% कपिल सर जितने भी हमारे सुंदर बहनें आती है, मेरी सभी बहनें उनको देख के बोलते हैं कि ग्लैमर अच्छा लगता है, आप लोग आया कीजिए। तो क्या आपको हम में ग्लैमर नहीं दिखता है? ऐसी बात नहीं है सर, सब आते हैं शो पे। तो आप कभी जेंट्स को भी बोल दीजिए कि आप भी पधारिए, सिर्फ ग्लैमर पे आपका ध्यान रहता है। अरे सर मैं अब कितने जेंट्स आए हुए शो में, ज्यादा जेंट्स ही लग रहे हैं मुझे। जेंट्स ज्यादा कि लेडीज ज्यादा है? लेडीज लेडीज। चलो चेंज द टॉपिक। कभी ऐसा हुआ ना किसी बहुत वैसे जोड़े की शादी करा रहे हो, बड़ी सुंदर दुल्हन देख के आपका अपना भी
हलचल हुई हो सर? सर एक्चुअली क्या है, दुल्हन तक ध्यान जाता ही नहीं है. मैं जैसे शादी कराने जाता हूँ, दूल्हा पहले ही पूछता है कि पंडित जी कितना टाइम लगेगा शादी करने. तो ये कभी कभी ऐसा होता है वैसे, आप ज्यादा भी देर लगाते हैं, जल्दी भी हो जाती शादी मतलब? नहीं सर, हमारा क्या है, हमने जहाँ से स्टडी की है, जो संस्कृत पाठशाला में हम पढ़ाई की है, वहाँ पर हमको बताया है कि जो सही क्रिया से होता है उसी प्रकार से कीजिए. यजमान 500 रुपए ज्यादा भी दे दे तो भी काटिए मत. पर नहीं, बड़े बुजुर्ग बोलते ना टिकनियां तो एक ही फेरे में टिक जाएगी, नहीं तो फिर नहीं. बाकी ऐसा ये बातों में सर, शादी क्या है, दो पहिए हैं, एक भी पंचर हो गया तो उसमें हमारी गलती नहीं, हम हवा भर के दे देते हैं. तो आप तो एक ही पहिए से चल रहे हैं. हाय जेनी, हाउ आर यू? कहीं भी वर्कआउट करा देती भाजी आपको? नहीं कहीं भी नहीं. हैं, हमेशा शादी रहती है आपके? मैंने और भी स्टाफ देखा, आपकी और भी एक लड़की हूँ, वो भी 6-6.5 फीट है. बोला मिलिन, हाय हाय, हाउ आर यू, कैसे आप? वाह, हमारे साथ तो आज ही हुआ, आपके साथ तो रोज होता होगा नहीं? सुबह उठना है ना दादा? हाय, वो मेरे को एक दिन बाहर बोल रहे थे, कहते आई लव अक्षय सर बट हमारी जवानी निकल गई सुबह उठने. पूछ उनको रात को कितने बजे सोए हैं बेचारे. दादा आप माइक दे दो दादा को. हैदराबाद से आए हम लोग काम करके. कितने बजे दादा, कितने बजे सोए थे? 2:30 बजे. और सुबह कितने बजे उठ गए? 5:30 बजे. उफ, तो दादा कभी आपने सोचा नहीं मैं लाइफ में क्या करने आया हूँ? मेहनत करने आए. अरे वाह. नहीं दादा, सारी दुनिया सो रही होती है, आप अकेले मेहनत कर रहे होते हो. बॉस के साथ हम भी फिट रहते हैं और तैयार रहते हैं. क्या बात है. और आज आपके पीछे इनसे बात कराना, ये अभी कल ही जेल से छूटे. आप भी 2:30 बजे सोए, 5:30 उठे? हाँ सर, हाँ है? हाँ सर. और ये जो आपके बाल, आपने कलर किए कि सुबह उठने की वजह से ऐसे? तो आपको कभी ऐसे प्रॉब्लम नहीं होता अक्षय भाई के साथ रहने से? नहीं नहीं सर. मैं आपको बताऊंगा, ये सब एक्स आर्मी मैन है, नॉर्मल आदमी इनके स्टाफ में रह नहीं सकता. बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया. अच्छा जी, क्या कर रहे हो यार? आपके पास जोक का पिटारा होता था. जोक्स जोक्स जोक 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 जोक. एक बार एक सड़क के कोने में एक कुत्ता भौंक रहा था. फिर हम वहां से गुजर गए. क्यों? क्योंकि कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी गुजर जाते हैं. सिपाहियों, हमने इतना कमाल का जोक सुनाया, तुम लोग हंसे क्यों नहीं? तुम्हारे मुंह पे वो लगा है क्या? वो क्या? ये ताला, 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 ताला. देखो, अगर नाचने का इतना ही शौक है ना तो घर चलो, दीवारों पे बहुत लगा है. गणेश आचार्य की चुईया, हमारे साथ ऐसा हास्य विनोद करते हो, तुम्हारे अगले महीने की तनख्वाह काट लो. है? अगर इतना ही शौक है ना तो मेरा सूट बड़ा वो काट दो, मेरे बाल काट दो, मेरे नेल्स काट दो. ये सब हम क्यों काटेंगे, हम राजा हैं. मैं कोई पार्लर वाली नहीं है. राजा शक्ल देखी है, ऐसे राजा होते हैं जो रोज हमारे तबेले में आके ना गोबर उठाते हैं. ऐसा है, उसे जरा हमारे पास भी भेजो, कभी कभी हमारा ज्यादा हो जाता है, वो भी उठा लेगा. सिपाहियों, लेडी गागा की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम तुम दोनों को देते हैं, अगर लेडी गागा को किसी ने हाथ भी लगाया तो हम तुम्हारा धागा काट देंगे. अच्छा भाई, साजिद भाई की जितनी भी फिल्में बहुत बड़ी होती, अमीर फिल्म जिसको कह सकते हैं, बड़ा ग्रैंडर होता है. मतलब ये गरीबी भी बड़ी तरह दिखाते हैं एक्चुअली. हाँ हाँ हाँ, इनका गरीब आदमी निकले तो कार से निकलेगा, आज बहुत मैं गरीब हूँ. 2-250 करोड़ की फिल्म से नीचे बनती नहीं है, मतलब इतना बजट होता है. छोटा मोटा राइटर आपको पता, आपको अप्रोच नहीं करता. क्यों? उनको लगता है ये बनाएंगे नहीं 10-15 करोड़ की फिल्म. हमारे खुद के राइटर ये जो बैठे हुए ना, आपके गए ऑफिस, इनका ऑफिस देख के इन्होंने स्क्रिप्ट गोल करके ना अपने थैले में डाल ली, बोलते ये कहाँ बनाएंगे. नहीं सर, अभी सुपर 30 बनाई, एक गुड लुकिंग आदमी को काला बनाया, दाढ़ी लगाई जी. बहुत बहुत प्यारी. साजिद भाई, ऐसे 10 करोड़ की भी फिल्म बनाते हैं आप? हाईवे बनाई सर. हाईवे 10 में बन गई थी? 9 में. अच्छा, 9 में बन गई थी. वाओ, तो मतलब हमारे जो राइटर हैं, मेरे बिल्कुल लिख के बैठे हैं फिल्में, आपके ऑफिस जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल. तो आप जरूर जाए. बाकी इनका हमारे साथ अलग से कॉन्ट्रैक्ट है, एक लाइन का खाली, कि तुम्हारा जो है वो मेरा है. तो मतलब जो भी फिल्म लेके आएंगे हीरो मैं ही हूं उसमें. सजीत भाई, आपको क्या लगता है, प्रोड्यूसर किसी को स्टार बना सकता है? आपको लगता है कि मेरे जैसे बेटे हैं जी, उनको लगता है कि क्योंकि मैंने टाइगर को लॉन्च किया, अभी आहान शेट्टी को कर रहा हूं, तो मैं
किसी को भी कर सकता हूँ जी। पर मुझे एक किस्सा याद है, जब मैं आज से कुछ 10 साल पहले हाजी अली दरगाह पे गया था अच्छा जी दुआ मांगने, तो कुछ स्ट्रगलर्स मेरे पास आए, सर साजी साहब मुझे काम दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो पीछे कोई एक अपना मस्ताना पीता हुआ आदमी ने बोला, अरे इससे क्या मांग रहा भीख, ये तो खुद भीख मांगने आया है। वाह। तो जब हम लोग हैं, वी आर एट द मर्सी ऑफ द ऑलमाइटी, हम किसी की लाइफ नहीं बना सकते, ये सब अपनी डेस्टिनी लेके आते हैं। हम एक जरिया है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ गाड़ी आके रुकती है फिर वो आगे निकलती है। ऐसे ब्यूटीफुल लड़के पास खड़े ना, तो रिसेप्शन में भी आदमी खुश रहता है। तेरी भी तो फिल्म में 3 हीरोइन थी। हाँ जी, उसके बाद नहीं आई। क्यों? उसके बाद तूने कौन सी बनाई थी वो वाली? उसके बाद शादी कर ली। शादी? वो मैंने शादी के बाद बनाई थी ना। हाँ, फिरंगी। और मेरे पैसे खत्म हो गए सारे। मेरे को पता नहीं था भाई, मेरे को लगता पैसा हो तो कोई प्रोड्यूसर बन सकता है, पर नहीं, समझ नहीं आई बात, गेम नहीं समझ में आई। नहीं होता नहीं। अरे प्रोड्यूसर का गेम किसी को ज्यादा समझ में नहीं आता, बहुत कम जनों को आता है। आपका सही, सीधा सीधा अपना शेयर लेके निकल जाते हो। मेरा तो बहुत मन करता है मैं प्रोड्यूसर के बच्चे खा जाऊं।